हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ अनुषा एन आई एम सेकेंड बी एच एम एस स्टूडेंट सो आज हम होम्योपैथिक फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर फार्माकोपिया और फार्मेसी स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जानना है कि फार्माकोपिया क्या है फार्माकोपिया का डेफिनेशन देखेंगे इट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी बुक पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री सो फार्माकोपिया इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटिक बुक है फार्माकोपिया एक बुक है जो उसको पब्लिश किया गया है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील विद साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिकल एटीट्यूड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडरडाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ कलेक्टिंग ड्रग मटीरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड प्रिपेरिंग प्रिजर्विंग कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग सो जो फार्माकोपिया है एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जिसको पब्लिश किया गया है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ने उसमें क्या है फार्माकोपिया में क्या है फार्माकोपिया में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कैसे हम एक ट्रक को उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और कैसे ट्रक जो डिफरेंट ड्रग्स है लाइक डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग्स है कैसे उनको कलेक्ट करना है उनका प्रिपरेशन कैसे करना है कैसे प्रिजर्व करके रखना है कैसे कंपाउंडिंग करनी है और कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग्स सो एक ड्रग्स को दूसरे ड्रग्स के साथ कैसे कंबाइनिंग करनी है ये सब हमें फार्माकोपिया में लिखा है और इसको पब्लिश कर किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री सो बिसाइड्स ऑल दिस लाइक प्रिजर्विंग प्रिपेरिंग एंड ऑल ये बिसाइड इट कंटेन एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पोसोलॉजी एंड मोनोग्राफ ऑफ ड्रग जैसे आप आगे फार्मेसी में पढ़ोगे हर एक चैप्टर होगा आपके लिए जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक फुल चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक चैप्टर है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है उसका क्या कैसे यूज़ करते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है पोसोलॉजी क्या होती है और मोनोग्राफ क्या होता है सो so, फार्मोकॉपिया क्या है फार्मोकॉपिया एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक है ओके okay? फिर यहाँ पर जब हम नीचे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया है डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया कॉपियाँ दे आर टू टाइप्स ऑफिशियल फार्माकोपिया अनऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री सो फॉर ऑफिशियल फार्माकोपिया इसको गवर्नमेंट ने पब्लिश किया गया है और एनी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड अनऑफिशियल क्या है अनऑफिशियल पब्लिश बाई एनी पर्सन और फार्मास्यूटिकल कंपनी आदर दैन द गवर्मेंट सो ऑफिशियल को गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश करना होता है और अनऑफिशियल को जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं कोई भी एनी पर्सन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अदर दैन गवर्मेंट ओके हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्म होम्योपैथिक फार्मोकोपियाज़ सो हमने पढ़ा था कि ऑफिशियल फार्मोकोपिया होता है और अनऑफिशियल फार्मोकोपिया होता है ऑफिशियल फार्मोकोपिया लाइक यहाँ पर पाँच ऑफिशियल फार्मोकोपियाज़ हैं जर्मन होम्योपैथिक फार्मोकोपिया ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मोकोपिया होम्योपैथिक फार्मोकोपिया ऑफ यूनाइट स्टेट होम्योपैथिक फार्मोकोपिया ऑफ इंडिया फ्रेंच होम्योपैथिक फार्मोकोपिया ये ऐसे होम्योपैथिक फार्मोकोपियाज़ हैं जहाँ पर ऑफिशियल ऑफ़िशियली उसको पब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज़ ओके और अनऑफिशियल क्या है अनऑफिशियल फार्मोकोपियाज़ जैसे कि एम भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्माकोपिया, एन साइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया बाय पी एन वर्मा एंड इंदुवेद ब्राज़ीलियन होम्योपैथिक फार्मोकोपिया पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये ऐसे फार्माकोपिया है जहाँ पर उसको पब्लिश किया गया है बाय एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी अदर देन गवर्नमेंट ओके सो दिस आर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारे होम्योपैथिक फार्मोकोपिया का सो द ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मोकोपिया इज़ टू लीज ऑफ रेमिडीज़ यूज इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैज़ दियर आइडेंटिटी एंड प्रिपरेशन एमिंग टू गिव प्रेफरेंस टू प्रिस्क प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग सिमिलर टू दोज यूज इन द ओरिजिनल प्रूविंग सो ऑब्जेक्ट क्या है होम्योपैथिक फार्मोकोपिया का हमें लिस्ट ऑफ रेमिडीज़ देना है जो यूज़ हो रहे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उसको कैसे आइडेंटिटी उसकी कैसी आइडेंटिटी उसको देनी है उसका प्रिपरेशन कैसे है ओके सो so, ये उसका ऑब्जेक्ट है